कार थीफ, ट्रक फुल ऑफ स्टोलन कार्स। ग्वालियर नामक गांव में गंगू नाम का एक चोर था। एक दिन उसकी बीवी मोना, गंगू और कितने दिन ऐसे चोरी करोगे? सेटल होना है कि नहीं? छोटे मोटी चोरी छोड़कर कोई बड़ी चोरी करके चोरी की जिंदगी पे फुल स्टॉप लगाओ। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि तुम्हें कब पुलिस आके पकड़ ले जाएंगी। ठीक है मोना, तुम्हारी बात भी सही है। इस बार बड़ी चोरी करूंगा, एक चुटकी में सेटल हो जाएंगे हम लोग। कह के गुजरात से आ रहे एक कार से भरे हुए ट्रक को चोरी कर लेता है। उसे दूसरे गांव ले जाकर मार्केट में बेचने लगता है। सर, मैडम, आइए आइए, लेटेस्ट कार सस्ते दाम में, 1 करोड़ का कार 10 लाख में, 10 लाख का कार 1 लाख में, होश उड़ाने वाले ऑफर, तुरंत खरीदिए, लेटेस्ट कार को अपना बनाइए। कहकर चिल्लाते वक्त एक देहाती आकर, ये क्या भाई, ऐसे कार को सब्जियों की तरह ऐसे रोड पे बिकते हुए मैंने कभी नहीं देखा। ये असली कार है ना? नए कार हैं या पुराने कार को पेंट करवा के फिर से बेच रहे हो? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको गारंटी कार्ड भी देंगे, लेकिन उसके लिए 1 लाख एक्स्ट्रा लगेगा। आइए आइए, जल्दी खरीदिए। कहकर बेचते वक्त कपूर नाम के व्यापारी को गंगू के बर्ताव पर शक होता है। वो उसे पकड़कर, ओए कहां से मिले तुम्हें ये कार्स? मुझे तुम पे शक हो रहा है, चलो पुलिस स्टेशन, 2-4 मारेंगे तब सच उगलोगे तुम। सर छोड़िए मुझे, कैसे दिख रहा हूँ मैं आपको? अगर ये चोरी किए हुए कार होते तो मैं ऐसे पब्लिक में नहीं बल्कि चोरी छुपे एक एक करके बेचता। आपको इस बात पे मुझ पर शक नहीं करना चाहिए। और तो और, ये ऐसे वैसे कार नहीं है, इम्पोर्टेड कार्स हैं जो मेरे दोस्तों ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है। कल ही मेरा बर्थडे था और मेरे दोस्तों ने ऐसे तरह तरह की बढ़िया कार्स मुझे गिफ्ट की है। इन सभी पे टैक्स भर के इस्तेमाल करना मेरे बस की बात नहीं, इसीलिए ऐसे होलसेल मार्केट में चिल्ला चिल्ला कर बेच रहा हूँ। ओए क्या उठपटांग बोल रहे हो, ये कार्स तो काफी महंगी दिख रही है। सर जी, ऐसे कार्स को बेचना मेरे बस की बात नहीं है। आप बड़े व्यापारी दिखते हो, आप तो आसानी से बेच सकते हो ये सब। आप ही होलसेल में सब कुछ क्यों नहीं खरीद लेते? आपको बढ़िया ऑफर प्राइस भी दूंगा। लालच से कपूर, सब कुछ कितने में दोगे बताओ? आपके साथ क्या मोल तोल सर जी, सब कुछ मिला के 50 लाख कर लीजिए, सिंगल पेमेंट। ओए मुझे डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्या? डिस्काउंट नहीं दे पाऊंगा सर, लेकिन कार्स जिस ट्रक में भरे हैं वो ट्रक आपको फ्री में दूंगा, लेके जाइए। उसको 50 लाख देकर कार्स से भरे हुए ट्रक को अपने पास रख लेता है। पैर पे पैर रख के कपूर, वाह सुबह सुबह बढ़िया डील सेट किया है मैंने, कोई बेवकूफ लगता है ये। अब इनको मार्केट में बेचूंगा तो मुझे बहुत लाभ होगा, सोचकर खुशी से खाकर सो जाता है। गंगू टीवी देख रहा था। न्यूज रिपोर्टर, हाईवे पे कार्स की चोरी हो गई है, सारे इम्पोर्टेड कार्स और महंगी कार्स है। पुलिस ने घोषणा की है कि उनके बारे में जानकारी देने वालों को बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सुनिए, इससे हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तुम्हारे होशियार पति के होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, डरो मत। कहकर उन कार कंपनी को कॉल करके, सर मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, आपके बताए हुए कार्स को मैंने एक एरिया में देखा है, वो आपके है कि नहीं मैं नहीं जानता, जानकारी देने वाले को आप कितना इनाम देने वाले हो? हाय, हर कार की कीमत 1 करोड़ रुपए है, ट्रक में 10 कार हैं, माने 10 करोड़। अगर तुम्हारी जानकारी सही है तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। ठीक है साहब, लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है बोलकर कहीं फोटो नाम कुछ लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके कार्स को चुराने वाला डेंजर आदमी है। ठीक है ठीक है, तुरंत वो इन्फॉर्मेशन और लोकेशन भेजो। तुरंत कार्स के लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ सीधे पुलिस वालों के साथ चले जाइए, आपको सब मिल जाएगा। बोलने पर कार कंपनी वाले पुलिस के साथ कपूर के गोडाउन को रेड करते हैं। आराम से सोए हुए कपूर को पीटते हुए लेके जाते हैं, कार लोड को अपनी कंपनी ले गए।
गंगू को फोन करके कंपनी वाले। आपकी वजह से हमें बड़ी सहायता हुई है। आपका इनाम कैसे पहुँचाए आपको? कहाँ आके लेना है बता दीजिए साहब, फैमिली के साथ आके कलेक्ट करूँगा, लेकिन फोटो प्रेस नहीं होना चाहिए। ठीक है कहकर अपनी कंपनी में उनका सम्मान करके उनके बॉस के हाथों 1 करोड़ रुपए दिलवाए। इन पैसों के साथ गंगू चोरी छोड़कर आराम से सेटल हो गया। एक गांव में अर्जुन कहकर एक चारवा रहता था। वो बहुत गरीब आदमी है। उनके पास 2 बकरी है। हर रोज उन दोनों बकरियों को खेत में ले जाकर चारा खिलाता था। एक दिन घर में उनकी बीवी, सुनिए घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जाकर कुछ सब्जी लेकर आओ जी। अरे ये क्या, परसों को ही सब्जी लेकर आया था ना। आप जो लाए वो सब्जी पूरा महीने के लिए आता है क्या? मेरे बाप को हमेशा कहती रहती हूँ, मेरे बदनसीब है कि मैंने तुम जैसे आदमी से शादी किया, सब मेरी बुरी किस्मत है। कहकर उधर से चली गई। उनकी बातों से अर्जुन बहुत दुखी हुआ और वो दोनों बकरियों को बेचने के लिए शहर को निकला। रास्ते में बहुत थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तब अर्जुन को एक अजीब सा जानवर दिखाई दिया। वो हैरान हो गया। वो एक मुर्गी की शरीर को बकरा का सर था। अरे ये तो मुर्गी जैसा है और बकरा का सर है, कहकर उसको ऐसे ही देखने लगा। तब वो मुर्गी बकरा कहकर आवाज किया तो अर्जुन उनके पास जो घास था उसे चराया। तब वो मुर्गी बकरा उस घास को खाकर खुश हुई। उनके साथ साथ उनके पीछे शहर को जाने लगी। वो बकरीद का समय था तो इसलिए अर्जुन के 2 बकरियों को अच्छे दाम में बेच दिया। घर वापस आकर उनकी बीवी को पैसे देकर, ये लो मेरे 2 बकरियों को बेचा तो कितने पैसे मिला है देखो। इन पैसों से कुछ अच्छा व्यापार शुरू कीजिए। अगले दिन जब अर्जुन बाहर जा रहा था तो वो मुर्गी बकरी उनके सामने आई। उसे देखकर अर्जुन की पत्नी, ये क्या है, अजीब जानवर जैसा है, छी छी जाओ जाओ, कहकर चिल्लाने लगी। तुम रुको, कहकर उनको घास खिलाया। बाद में अर्जुन को एक अच्छा सा जगह मिला और उस जगह में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलने के लिए फैसला किया। उस शाम को पत्नी के पास आकर, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हमको एक अच्छा सा जगह मिला है, मैं एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए सोच रहा हूँ, उसके लिए एक अच्छा सा रसोईया मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जान पहचान वाले में तो कोई नहीं है। वो नहीं तो सोने का व्यापार शुरू कर सकते हो ना, क्यों ये रेस्टोरेंट की झंझट, और मैं भी बहुत सारे गहने पहन सकती हूँ ना। तुम्हें गहने पहनने के लिए मुझे ये सोने का व्यापार शुरू करना है क्या, क्या ये बेकार के बातें बोल रही हो, कहकर उधर से चला गया। अगले दिन अर्जुन घर से बाहर जा रहा था तो वो मुर्गी बकरी फिर से सामने आई। तब अर्जुन मन में, ये जब भी मेरे सामने आता है तो मुझे शुभ होता है, सोचकर उसको फिर से घास दिया। अर्जुन को एक अच्छा सा रसोईया मिल गया। दोनों समझौता करके एक रेस्टोरेंट को शुरू किए। बहुत कम समय में ही वो रेस्टोरेंट प्रसिद्ध हो गया था। अर्जुन उनकी पत्नी के लिए सोने के गहने भी बनवाया था। अर्जुन की पत्नी वो गहने पहनकर गली गली में घूमते हुए दिखावट करके बहुत खुश होने लगी। एक दिन अर्जुन शहर जा रहा था तब उनकी पत्नी से, अच्छा सुनो आज मैं शहर जा रहा हूँ हमारे नया रेस्टोरेंट के लिए और एक समझौता करने के लिए जा रहा हूँ, उस मुर्गी बकरी को घास खिलाना मत भूलना, कहकर शहर को निकला। उस दिन रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ आया था। इतने में वो रसोईया आकर अर्जुन की पत्नी से, मैडम जी रेस्टोरेंट में चिकन और मटन खत्म हो गया, तुरंत उनका इंतजाम कीजिए, इधर लोग तो और भी आ रहे हैं। तब अर्जुन की पत्नी को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आया और उस मुर्गी बकरी को देखकर, अरे ये है ना तो फिर परेशान क्यों होना, सोचकर उससे, देखो उसे मारकर अच्छा सा चिकन करी और मटन हेड करी बना सकते हो ना। मैडम आपके पति इस मुर्गी बकरी को बहुत सौभाग्य समझता है, आप फिर एक बार सोचकर बताइए ना। क्या ये मुर्गी का शरीर और बकरी का सर वाला जानवर भाग्यशाली है, उनको तो मेरी वजह से अच्छा सौभाग्य मिला है, मुझसे शादी करने की वजह से ही इतना अच्छा व्यापार करने लगा है, कहकर उस मुर्गी बकरी को मार दिया। उस शाम को अर्जुन वापस आकर बहुत दुखी हुआ और उनकी पत्नी से, सुनो और एक रेस्टोरेंट के लिए मैंने बहुत उधार किया
लेकिन धोखा हो गया। अब ये रेस्टोरेंट को बेचकर ही उधार चुका सकता हूँ। मेरा सौभाग्य वाला मुर्गी बकरा कहाँ है? अब उनके लिए क्यों सोचते हो, छोड़ो। कहकर बात घुमाने लगी, लेकिन अर्जुन गुस्सा होकर फिर से पूछा, क्यों जी, एक मुर्गी के लिए मुझे सता रहे हो? आपको मुझसे बढ़कर है क्या वो मुर्गी? वो मेरा सौभाग्य लक्ष्मी जैसा है। वो कभी भी मेरे सामने आती है तो मुझे बहुत शुभ होता है, इसलिए जब मैं जा रहा था तो उसे घास खिलाने के लिए बोला, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया है ये मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, इसलिए मेरे व्यापार को नुकसान हो गया है, कहकर सर पकड़ लिया। तब पत्नी को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आया और उनके गहने और उनका रेस्टोरेंट को बेचकर पूरा उधार चुकाया।